दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हफ्ते की बात में हफ्ते की कई कहानियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन हो ये रहा है कि जो देश की बड़ी घटनाएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए हमारी जो सत्ता संरचना है उसके जो सहायक हैं, हम मीडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया अब समाज और जनता का नहीं, अब वो सत्ता का बन गया है, खासकर जो टेलीविजन चैनल है, तो उसमें सत्ता की सहायता के लिए उसमें अलग अलग ढंग की कहानियां आ रही हैं। कहीं वैक्सीन वैक्सीन चल रहा है, सुबह से शुरू होता है वैक्सीन, रात तक वैक्सीन, न जाने क्या क्या उसमें चलता रहता है, एक ही चीजों को रिपीट किया जाता है, फिर कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अभी मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही शुरू हो गया है कि भाई पश्चिम बंगाल में एक तरह से सत्ता दखल करने का जो सत्ताधारी, जो केंद्र में सत्ताधारी दल है उसका पूर्वाभ्यास चल रहा है। ऐसा लगता है कि आज अगर शाम को सभी बड़ी स्टोरीज जो आएंगी टेलीविजन चैनलों में वो सिर्फ बंगाल से होंगी कि कैसे वहां पर क्या क्या आज हुआ, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके सस्पेंड किए जाने से, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने की, वाशिंगटन डीसी में जो स्थितियां पैदा हुई उसके लिए उनको जिम्मेदार माना जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप से हमदर्दी जताते हुए कि सोशल मीडिया अकाउंट उनका क्यों बंद कर दिया कंपनियों ने, इससे सत्ताधारी दल के कई नेता, कई सांसद विलाप कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा कि कर्नाटक से आने वाले सत्ताधारी दल के एक बहुत मुखर सांसद, जो ऑफिस बेयरर भी हैं, वो उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है और विलाप किया है, शोक व्यक्त किया है कि आहा ये क्या हो गया। तो ऐसे दौर में जो बड़ी स्टोरीज हैं दोस्तों, हम ज्यादा न सुनाकर तीन कहानियों पर, जो मुझे लगता है कि हफ्ते की बात की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये मैं अपनी बात शुरू करता हूं। पहली कहानी किसान आंदोलन की है। किसान आंदोलन में 7 तारीख बहुत महत्वपूर्ण मुकाम, 7 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली, ये भी इतिहास है। ये मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का समापन कैसे होता है ये मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, लेकिन दोस्तों किसान आंदोलन ने इतिहास तो बना दिया। जिस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली गई, एक तरह का रिहर्सल था वो 26 जनवरी की उनकी परेड का, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह की उसमें हिस्सेदारी है, बच्चों की, नौजवानों की, बूढ़ों की, महिलाओं की, बच्चियों की, वो देखने लायक थी। और उसके ठीक एक दिन बाद 8 तारीख को बीते कल, जिस तरह से निगोशिएशन टेबल पर सरकार ने जो बातें कही और निगोशिएशन के समापन के बाद जो बेनतीजा बातचीत रही उसके बाद सरकार ने जो बातें कही वो हैरत जताने वाली है। सरकार की तरफ से कहा गया कि किसान चाहें, वो अंदर भी कहा गया बाहर भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाई ये बताइए कि 3 जो कानून है कृषि विषय जो कंट्रोवर्सी के कारण बने हुए हैं, इनको किसने पारित कराया, सरकार ने? कहां कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या संसद में? संविधान को जो भी थोड़ा बहुत जानता है वो सभी मानेंगे कि संसद में कानून बनते हैं, कोर्ट में सिर्फ कानूनों की व्याख्या हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि जो कानून बनाने वाली जगह है वहां की बात मत करो, वहां दस्तक मत दो। जो कानून पास कराने का पहल ले रहे हैं लोग, उन तक भी दस्तक मत दो, यानी सरकार में भी दस्तक मत दो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों जाए किसान, क्यों आप भेजना चाहते हैं? पहले की सरकारें दोस्तों, जब लोग एजिटेट करते थे, लोग जब नाराज होते थे सरकारों से, उनके किसी फैसले से, किसी नीतियों से, तो वो कहते थे कि कोर्ट मत जाइए, हम लोग आपस में तय कर लेंगे, निगोशिएट करेंगे। लोग कोर्ट जाने की बात करते ही नहीं करते थे, खासकर जो सरकार में होता था, उसको लगता था कि ये सरकार को बाईपास करके जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है, पता नहीं कोर्ट क्या फैसला दे दे, कहीं वो ज्यादा ऐसा फैसला ना दे दे जो जनता के पक्ष में हो या आवाम की जो मांग है उसको ज्यादा हाईलाइट वहां कर दिया जाए,
तो हम ले दे करके थोड़ा आगे होकर थोड़ा पीछे होकर हम स्वयं निगोशिएट कर लें। लेकिन अब ये एक अनोखी सरकार है जो कह रही है कोर्ट चले जाओ, ऐसा लगता है कि कोर्ट जाने से और उनको खुशी होगी। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि किसान आंदोलन की जो दो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें अब किसान कह रहे हैं कि उनकी एकमात्र सबसे बड़ी मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, इस पर सरकार कह रही है कि उनसे डिस्कस करने से अच्छा है आप कोर्ट चले जाइए। तो फिर 15 तारीख की मीटिंग क्यों रखी गई, 8 तारीख की मीटिंग क्यों रखी गई? क्योंकि सरकार के एक मंत्री तो पहले से ये बात कहे जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला सरकार द्वारा दिया जाना, ये मैं समझता हूं कि हैरतअंगेज है डेमोक्रेसी के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए, और अवाम और सरकार के बीच जो एक डेमोक्रेसी का एक मॉडल होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो एक चेहरा होना चाहिए, उसके लिए भी ये एक अनोखी बात है और चिंताजनक बात है। दोस्तों, दूसरी जो हम कहानी आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो बड़ी दिलचस्प है, वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी दल है उसमें तीन प्रमुख हैं, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। एनसीपी और कांग्रेस अलग सुर में है, और शिवसेना कह रही है कि औरंगाबाद जो बहुत मशहूर शहर है महाराष्ट्र का, और औरंगाबाद को वो चाहती है कि उसका नाम संभाजी नगर कर दिया जाए, संभाजी जो शिवाजी के वंशज थे, उनके पुत्र थे। अब ठीक है कि आप संभाजी नगर करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं? और पहली बार ये नहीं मांग हो रही है, पहली बार इसका 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 इसकी आवाज नहीं लगाई जा रही है कि संभाजी नगर कर दिया जाए औरंगाबाद का नाम। ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरएसएस, इस तरह के जो संगठन हैं, ये दशकों से कर रहे हैं। और जब जब चुनाव आता है, खासकर मराठवाड़ा इलाके में, तब तब ये कहा जाता है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में 2020 के अप्रैल महीने में नगर निगम और लोकल बॉडीज इलेक्शन होने थे, जो कोरोना के कारण स्थगित कर दिए गए। हालांकि कई प्रदेशों में चुनाव हो गए, बाई इलेक्शन भी हो गया और एक जनरल इलेक्शन भी हो गया बिहार में, लेकिन दोस्तों वहां पर इलेक्शन नहीं कराया गया। अब सवाल इस बात का है कि इस बार 2021 के अप्रैल में संभावित है कि नगर निगम चुनाव होंगे। जैसे ही नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हुई है महाराष्ट्र में, वैसे ही मराठवाड़ा में औरंगाबाद का नाम बदलने का शोर शुरू हो गया है। और एक बड़ी मजेदार बात और हुई है कि आज शिवसेना के एक नेता, क्योंकि उनको बीजेपी को थोड़ा पटकनी देनी है संभाजीनगर के मुद्दे पर, अब वो कह रहे हैं कि बिहार में भी एक औरंगाबाद है तो उसका नाम भी रखिए आप। उन्होंने अपनी ओर से सुझाव भी दे दिया कि उसका सावरकर नगर नाम रखिए, ताकि जेडीयू और बीजेपी वहां आपस में लड़े, जिस तरह कांग्रेस एनसीपी एक तरफ और शिवसेना एक तरफ, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर असहमत है। तो बीजेपी की अगर मंशा सरकार गिराने की है इस मुद्दे पर कि दोनों लड़ करके सरकार अपनी गिरा दें, तो वैसे ही उसी की नकल शिवसेना कर रही है कि जेडीयू और बीजेपी बिहार में आपस में लड़े सावरकर नगर बनाने के लिए औरंगाबाद को, बिहार वाले औरंगाबाद को, और किसी तरह सरकार गिर जाए। तो ये जो खेल चल रहा है कमाल का है। यानी किसान आंदोलन की जो मांग है उस पर, किसान आंदोलन का जो इतना बड़ा सिलसिला चला रहा है इतने दिनों से, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक तरफ वैक्सीन चल रहा है, जबकि अभी थर्ड फेज का जो ट्रायल है, तीसरे चरण का ट्रायल है, पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ ये बंगाल में सत्ता दखल का पूर्वाभ्यास हो रहा है। अब आज मुट्ठी भर चावल अभियान की शुरुआत की जा रही है, और तीसरी तरफ महाराष्ट्र में ये दंगल मचा हुआ है। और दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी के पीछे ये भी एक चल रहा है कि औरंगाबाद का जो एयरपोर्ट है उसका जो नामकरण है उसको शिवसेना की सरकार जो है चाहती है कि संभाजी नगर या संभाजी स्मृति एयरपोर्ट कर दिया जाए, अभी उसको औरंगाबाद एयरपोर्ट कहते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि 3 दिन पहले ही अभी कैबिनेट वहां की पास करके और इनको भेज चुकी है, केंद्र के मंत्री को, उड्डयन मंत्री को, नागरिक उड्डयन मंत्री को, हरदीप पुरी साहब को। अब देखना है कि एयरपोर्ट से मामला निपट जाता है या शहर की बात आगे बढ़ती है। दोस्तों हमारी तीसरी जो कहानी है वो बिल्कुल अद्भुत है, अजीब है, जम्मू कश्मीर के बारे में है। तो दिल्ली से शुरू कर मैं मुंबई गया, मुंबई से कलकत्ता भी देखा, कलकत्ता से औरंगाबाद और अब श्रीनगर की तरफ। दोस्तों केंद्र की सरकार ने अभी तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया है
कल, और उसके तहत उन्होंने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर जो आईएएस आईपीएस आईएफएस का के अधिकारियों का जो कैडर है उसका उन्होंने उसको मर्ज कर दिया है अरुणाचल गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी, ये जो कैडर है सबका मिलाकर इसको एग्मू कहते हैं। एग्मू कैडर में जम्मू कश्मीर के सारे अधिकारी जो हैं अब एग्मू के पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, वो एक केंद्र शासित क्षेत्र है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जो एक्ट लागू किया गया था राज्य के विभाजन का, उसमें ये जोड़ा गया है संशोधन, जिसको की मंजूरी अब मिल गई, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। दोस्तों इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जम्मू कश्मीर में अब अरुणाचल से लेकर गोवा तक, मिजोरम से लेकर और दिल्ली तक किसी भी अफसर को बैठाया जा सकता है, किसी उसके प्राधिकार में, किसी उसके बोर्ड में, किसी प्रशासन के अहम महकमे में, जिसको जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, जिसको कोई कंसर्न नहीं होगा, जिसको वहां की वस्तु स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर न केवल ये फेडरल स्ट्रक्चर पर एक अटैक है, बल्कि जिस जम्मू कश्मीर की सरकार या जिस जम्मू कश्मीर के सूबे को एक विशिष्ट ढंग का माना जाता है कि समस्याग्रस्त है, मिलिटेंसी है और एलियनेशन है, उससे निपटने के लिए ऐसे दूर दराज के लोगों को ला दिया जाएगा जिनको आवाम और वहां की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। यही नहीं, अफसरों के लिए भी, जो अधिकारी हैं उनके लिए भी यह बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उनको अब राज्य के जो अधिकारी होंगे, राज्य के जो सरकार के में बैठे लोग होंगे, उनसे उनका एसोसिएशन एफिलिएशन उतना नहीं होगा जितना उनको केंद्र वालों को देखना पड़ेगा, यानी केंद्र का डंडा उनके ऊपर भी चलेगा। तो ये तीन कहानियां मुझे लगता है दोस्तों ये इस हफ्ते की मुझे महत्वपूर्ण कहानियां लगती हैं, जिस पर आमतौर पे मेनस्ट्रीम चैनल जो हैं हमारे डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये तीनों कहानियां रखी। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए इस बीच में बहुत सारे खेल हो रहे हैं, उसमें चाहे वो महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे वो बंगाल का मसला हो, या इसी बीच में सरकार अपने जितने जो लंबित काम है, जो पेंडिंग में रहे हैं काम, उनको भी जल्दी से जल्दी पास करा लेना चाहती है, ताकि वो अपने मन का वो हर कुछ कर सके जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, आवाम के लिए वाकई अच्छा नहीं है। तो इन शब्दों के साथ बस इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.